आजसू पार्टी राज्य में स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। 22 जून 1986 में आजसू पार्टी की स्थापना हुई थी। इस संगठन ने अलग राज्य के आंदोलन में युवाओं को संगठित किया था। युवाओं ने राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उक्त बातें गिरिडीह सांसद चंद प्रकाश चौधरी ने पार्टी के स्थापना दिवस के दौरान कही। वहीं आजसू पार्टी के रामगढ़ जिला कार्यालय में आयोजित संकल्प दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद चंद प्रकाश चौधरी ने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। इस दौरान बहुत से आंदोलनकारी शहीद हुए। उनके सपनों का झारखंड बनाना है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र प्रभारी सुनीता चौधरी ने कहा कि आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी है। संकल्प सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय कुमार साहू ने व संचालन मनोज कुमार महतो ने किया। मैं आप लोगों से यही आग्रह भी करूंगा, इस मिशन पर सभी कार्यकर्ता, सभी प्रखंड और पंचायत स्तर के भी कार्यकर्ता अपने कार्यों पर जुड़ जाए। और मैं सबसे पहले रामगढ़ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। रामगढ़ के कई सामाजिक संगठन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, इसलिए कि हाल में हुए गिरिडीह संसदीय चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ रामगढ़ के सभी सामाजिक संगठन के लोगों ने अपने ओर से जितना भी अधिक सहयोग हो सका, सभी लोगों ने संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यों का और अपनी भूमिका को बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों ने काम करके दिखाया, जिसका परिणाम गिरिडीह का इतिहास में ना तो कोई सांसद आज तक इतना वोट लाया था, ना कोई आज तक इतना कोई नेतृत्व करने का किसी को अवसर नहीं मिला था। पहली बार हमको अवसर मिला, तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा और सभी हमारे झारखंड के सभी कार्यकर्ताओं से भी मैं कहूँगा कि झारखंड की जो भावना है, जो आज तक संसद के पटल पर नहीं रखने का लोगों ने काम किया, लेकिन यहाँ की जो मूल भावना है, यहाँ का जो विस्थापन का समस्या है, यहाँ का जो पलायन का समस्या और झारखंड की जो भावना है, इस भावना को निश्चित तौर पर हम सदन में रखने का काम करेंगे और उसका समाधान करने का भी काम करेंगे। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।